सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। सब्सक्राइब कीजिए लेजेंड बॉडी बिल्डिंग को, क्योंकि यहाँ पर आपको बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अपडेट देखने को मिलती हैं। तो भाई बढ़ते अपने पहली अपडेट की ओर, जो कि है अपने एस्थेटिक इंडियन क्लासिक की ओर से, जो कि एक नेशनल शो है अपने बॉडी बिल्डिंग का। तो भाई इसमें अपने डैनिश श्रेष्ठा भाई जीत जाते हैं प्रो कार्ड, और भाई इन्हें मिलता है 1,80,000 का कैश प्राइज। और भाई इन्होंने कम्पीट किया था जूनियर मैंस बॉडी बिल्डिंग में, और भाई इनके कोच अपने हैदर मलिक, जो कि भाई एक जाना माना नाम है अपनी फिटनेस इंडस्ट्री का। तो भाई सबसे पहले तो इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन डैनी भाई फॉर विनिंग प्रो कार्ड इन एस्थेटिक इंडियन क्लासिक। और हाँ भाई, अभी तो अपने डैनी भाई ने शुरुआत की है, बाकी इनसे रिलेटेड आप सबके क्या थॉट्स हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो बढ़ते अपनी अगली अपडेट की ओर, जो कि आ रही है अपने आईएबीवी प्रो मनोज पाटिल की ओर से। तो भाई अपने मनोज पाटिल जो कि कंपीट करने वाले अपने दिल्ली वाले प्रो शो में, तो भाई इन्होंने अपना 12 वीक्स आउट का रिसेंट फिजिक अपडेट हमारे साथ शेयर कर दिया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और ये बताते हैं कि आज से अपनी कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं अपने दिल्ली वाले प्रो शो के लिए, और भाई ये बताते हैं कि इनका लास्ट फिजिक अपडेट होगा, इसके बाद इनकी फिजिक आपको स्टेज पर ही देखने को मिलेगी। तो भाई अब बात करते हैं अपने मनोज पाटिल की फिजिक के बारे में। तो भाई अपने मनोज पाटिल के पास भाई साइज की बिल्कुल भी कमी नहीं है, इनके पास एक अच्छा खासा फ्रेम है। भाई आप लोग इनके आर्म्स और शोल्डर भी देख सकते हैं, जो कि भाई अभी से ही काफी ज्यादा शेप में लग रहे हैं। तो भाई अभी तो अपने मनोज पाटिल के पास एक अच्छा खासा समय अपनी कटिंग करने के लिए, तो बाकी भाई देखते हैं कि अपने मनोज पाटिल कैसा पैकेज लेकर आएंगे दिल्ली वाले प्रो शो में। बाकी भाई इनकी तरफ से जो भी अपडेट आएगी वो सब आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो बढ़ते अपनी अगली अपडेट की ओर, जो की आ रही है लैरी व्हील्स की ओर से, जो की भाई एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टर है, और भाई ये जल्दी कम्पीट करने वाले हैं किसी शो में। और भाई इन्होंने अपना रीसेंट फिजिक अपडेट शेयर कर दिया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और ये कैप्शन में लिखते हैं, आई एम लुकिंग क्लासिक येट बी होनेस्ट। भाई अपने लैरी व्हील्स कहना चाहते हैं कि अब मेरी फिजिक क्लासिक लग रही है या नहीं। तो भाई अब बात करते हैं इनकी फिजिक की। तो सबसे पहले इनका जो वैक्यूम पोजीशन है वो भाई काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, और भाई जो इनके आर्म्स है ना भाई वो तो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे आर्म किसी और एथलीट के पास होंगे। बाकी भी आपको इनका फिजिक अपडेट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो बढ़ते अपनी अगली अपडेट की ओर, जो की आ रही है रामनिवास मलिक की ओर से, जो की भाई अपने करंट मिस्टर इंडिया है। तो भाई लेकर आ चुका इनका रिसेंट फिजिक अपडेट, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि अपने रामनिवास मलिक भाई प्रेजेंट टाइम में कैसे लग रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इनकी कंडीशनिंग की, जो कि काफी ज्यादा टॉप नोच लग रही है। चेस्ट एंड शोल्डर ऑन पॉइंट, एब्स भी काफी ज्यादा पॉप आउट हो रहे हैं। और हाँ भाई मैं आपको बता दूं कि अपने रामनिवास मलिक भाई कुछ दिनों में कम्पीट करने वाले हैं। बाकी भाई इनकी तरफ से जो भी अपडेट आएगी वो सब आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो की आ रही है अपने आईएबीवी प्रो इमरान खान की ओर से। तो भाई इनकी ना काफी समय के बाद अपडेट लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए। तो आप इनका रिसेंट फिजिक अपडेट दे सकते हैं, जो कि इन्होंने हाल ही में ही हमारे साथ शेयर किया है, जिसमें कि आप लोग इनकी कंडीशनिंग पर फोकस कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा टॉप नोच लग रही है। मिड सेक्शन भी काफी ज्यादा शार्प लग रहा है, और भाई ये ना अपना ऑफ सीजन कर रहे हैं। और भाई हम आपको बता दें कि अपने इमरान खान अपने ऑफ सीजन में भी काफी ज्यादा लीन रहते हैं, और आप लोग इनकी लेग्स का अपडेट भी दे सकते हैं। और बात की जाए इनके नेक्स्ट कॉम्पिटिशन की, तो इन्होंने अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया है कि कौन से शो में कम्पीट करेंगे। अगर इनकी तरफ से कोई भी अपडेट आएगी वो सब आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो बढ़ते अपनी अगली अपडेट की ओर, जो की आ रही है हंटर लब्राडा की ओर से। तो भाई लेकर आ चुका इनका रिसेंट फिजिक अपडेट, आप देख सकते हैं कि अपने हंटर लब्राडा प्रेजेंट टाइम में कैसे लग रहे हैं। और भाई इनका करंट वेट है 282 LBS, यानी कि भाई 127 किलो के आसपास है इनका करंट वेट। और भाई जो इनके 2022 का ओलंपिया था ना वो भाई इनके लिए कुछ खास नहीं था। ये नहीं था कि अपने हंटर लब्राडा ने 2022 में अपनी फिजिक में इंप्रूवमेंट नहीं की, लेकिन भाई जो इनके कंपैरेटिव थे ना वो भाई इनसे काफी ज्यादा इंप्रूव होकर आए थे, जिसकी वजह से 2022 के ओलंपिया में टॉप 5 से बाहर थे। और भाई अपने हंटर लब्राडा कहते हैं कि इस बार वह काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करने वाले हैं अपने फिजिक में, और एक अच्छा पैकेज लेकर आएंगे इस बार के ओलंपिया में। बाकी इनसे रिलेटेड आप सबके क्या थॉट्स हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो भाई आज के लिए बस मेरे पास इतने ही अपडेट्स थे, तो मिलता हूं मैं आपको कल किसी और नए वीडियो के साथ। लेकिन भाई तब तक आप अपने हंटर लब्राडा की एक पोजिंग वीडियो को एंजॉय कीजिए, और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। Я просто не знаю.